हेलो स्टूडेंट, आई एम योर ज्योग्राफी टीचर विवेक फ्रॉम कैलिफोर्निया पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, दिस इज योर सेकेंड चैप्टर, पॉपुलेशन डायनामिक्स। इन दिस चैप्टर टुडे वी डिस्कस ओवर पॉपुलेशन। ओके, टुडे वी डिस्कस ओनली ओवर पॉपुलेशन। ओके, सो द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री और अ रीजन रेयरली मैचेस विद द नोन एंड अवेलेबल रिसोर्स। मीन्स बहुत ही रेयरली होता है कि पर्टिकुलर कंट्री की पॉपुलेशन मैच कर जाए वहाँ के रिसोर्सिस से। पॉपुलेशन एंड रिसोर्सिस दोनों सिमिलर हो कि पर्टिकुलर कंट्री में की पॉपुलेशन आपकी 10 मिलियन, उसके अकॉर्डिंग आपके पास रिसोर्सेज बहुत ही रेयरली मैच होता है। ओके, द एक्चुअल सिचुएशन इज दैट द पॉपुलेशन इज मोर एंड रिसोर्सेज आर लेस और वाइस वर्सा। कि मीन्स इट इज अ वेरी रेयरली कि मैच कर जाए हमारी पॉपुलेशन और वहां के अवेलेबल रिसोर्स। ओके, एक्चुअल सिचुएशन क्या होती है, या तो पॉपुलेशन मोर होगी रिसोर्सेस लेस होंगे, या फिर पॉपुलेशन लेस होगी रिसोर्सेस मोर होंगे। वाइस में मीन्स अपोजिट, यहाँ लिखा है कि पॉपुलेशन मोर एंड रिसोर्सेस या लेस होंगे, या फिर रिसोर्सेस मोर और पॉपुलेशन लेस होगी। ओके, सो दिस इज इंट्रोडक्शंस कि द टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री और रीजन रेयरली मैचेस विद द नॉन एंड अवेलेबल रिसोर्स। ऐसे एक्चुएशन, एक्चुअल में सिचुएशन कैसी है कि पॉपुलेशन इज मोर एंड रिसोर्सेज आर लेस, या फिर पॉपुलेशन लेस एंड रिसोर्सेज मोर। ओके, सो वी आल्सो नो द फैक्ट दैट नाइदर द पॉपुलेशन इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉर रिसोर्सेज आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कंट्री में जो पॉपुलेशन हमारी वो कैसी है, अनइवनली है, इक्वली नहीं है। वी ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर कि द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और सेम ईयर रिसोर्सेज आल्सो नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, सो वी स्टार्ट हियर ओवर पॉपुलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द ओवर पॉपुलेशन? ओके, जस्ट लिसन केयरफुली। When the total population of a country or a region is much more than but the total known and available resources in that country or region, such situation in that country or region is called overpopulation. Means when the total population of a country or region is much more, जब किसी पर्टिकुलर कंट्री की पॉपुलेशन मोर हो देन द बट द टोटल नॉन एंड अवेलेबल रिसोर्सेज, जो हम जानते हैं और अवेलेबल रिसोर्सेज पर्टिकुलर कंट्री में, ठीक है, उससे अगर पॉपुलेशन ज्यादा है, दैट कंडीशन को हम बोलेंगे ओवर पॉपुलेशन। मीन्स ये पॉपुलेशन मोर होगी, लाइक सपोज पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर कंट्री और रीजन, एंड रिसोर्सेज आर लेस। रिसोर्सेज मीन्स लाइक वाटर, विंड, ऑयल, एनर्जी, ठीक है, एंड ऑफ दैट वुड, नेचुरल गैस, आयरन, कोल, लाइक दिस सो मेनी रिसोर्स आर देयर। ओके, इफ पर्टिकुलर कंट्री पॉपुलेशन मोर एंड रिसोर्सेज आर लेस, दैट सिचुएशन बी कॉल्ड ओवर पॉपुलेशन। क्लियर टू ऑल? कि मींस जब पर्टिकुलर कंट्री की पॉपुलेशन मोर है एंड रिसोर्सेज आर लेस, दैट कंट्री और रीजन इज कॉल्ड ओवर पॉपुलेशन। ओके, सो टू डिसाइड वेदर कंट्री इज ओवर पॉपुलेटेड और नॉट, वी टेक इन टू कंसिडरेशन। मीन्स अब हम कैसे मेजर करेंगे पर्टिकुलर कंट्री की जो पॉपुलेशन है ओवर पॉपुलेटेड है या नहीं है। ओके, सो सम फैक्टर लाइक फर्स्ट फैक्टर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, अगर हमें चेक करना है कि पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेटेड है या अंडर पॉपुलेटेड है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है, वी चेक द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, ऑफ दैट टोटल फूड प्रोडक्शन, कि वहां पर टोटल प्रोडक्शन फूड की कितनी हो रही है, एंड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ कंट्री
ऑन इट्स रिसोर्सिस। सस्टेनेबिलिटी कितनी है उस पर्टिकुलर कंट्री में रिसोर्सिस की। सस्टेनेबिलिटी मीन्स द एबिलिटी टू बी मेंटेन एट अ सर्टेन रेट और लेवल। ओके, दिस आर द थ्री फैक्टर्स ड्यू टू दैट वी डिसाइड वेदर कंट्री इज ओवर पॉपुलेटेड और नॉट। फर्स्ट इज टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, सेकेंड टेक टोटल पॉपुलेशन प्रोडक्शन, और थर्ड इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ कंट्री ऑन इट्स रिसोर्सिस, कि वो रिसोर्सिस जो है हमारे पास वो कैसे अवेलेबल हो रहे हैं और कितने क्वांटिटी में हो रहे हैं, किस रेशियो से हो रहे हैं। ओके, इन थ्री स्टेप के बेस पे वी डिसाइड वेदर कंट्रीज ओवर पॉपुलेटेड और नॉट। ओके, सो नाउ एग्जाम्पल ऑफ ओवर पॉपुलेट कंट्रीज, सम एग्जाम्पल आर लाइक चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया एंड इथियोपिया। ओके, दिस आर द ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज। ओके, बट द कॉज, और कॉज क्या है ओवर पॉपुलेटेड कंट्री होने का, तो मोस्टली द अनवांटेड इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज ड्यू टू द, अब क्यों होगा, नेचुरल वजह से ओवर पॉपुलेशन तो क्या है, अनवांटेड ग्रोथ है, इंक्रीज हो रही पॉपुलेशन, तो उसकी वजह से कॉज क्या है, हाई बर्थ रेट। जब किसी कंट्री की बर्थ रेट हाई हो, डेथ रेट लो हो, और माइग्रेशन ऑफ पीपल्स फ्रॉम अदर पार्ट इन दैट कंट्री और रीजन, कि मीन्स उस कंट्री में बाहर से माइग्रेशन ज्यादा आ रही हो, या किसी पर्टिकुलर एरिया में बेटर मेडिकल फैसिलिटी हो, तो ड्यू टू दैट वी आर मूविंग इन दैट एरिया। ओके, तो दीज आर द कॉजेज जिससे ओवर पॉपुलेशन क्रिएट हो रही है। तो फर्स्ट इज जब बर्थ रेट हाई हो, डेथ रेट कम हो, लोग ज्यादा जन्म ले रहे हो और मृत्यु दर कम हो, एंड माइग्रेशंस उस एरिया में ज्यादा हो रही हो फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ दैट कंट्री, एंड बेटर मेडिकल फैसिलिटी हो। बेटर मेडिकल फैसिलिटी होगी तो डेथ रेट नेचुरली कम हो जाएगी, बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज इज देयर। ओके, तो दीज आर द कॉजेज ड्यू टू दैट ओवर पॉपुलेशन सिचुएशन क्रिएट हो रही है इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। ओके, सो नाउ द कंट्री विच हैज मोर पॉपुलेशन मे नॉट बी ओवर पॉपुलेटेड। हम ये नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो ओवर पॉपुलेट होगी, एज मैनी ऑफ सच कंट्रीज कैन सपोर्ट देयर पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू फूड, शेल्टर, एम्प्लॉयमेंट। इन सम कंट्रीज ऐसी भी हो सकती हैं जहां पॉपुलेशन तो ज्यादा है, लेकिन वो कंट्री जो है अपनी पॉपुलेशन की बेस से उनको फूड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, शेल्टर भी और एम्प्लॉयमेंट भी, तो दैट एरिया को हम ओवर पॉपुलेटेड नहीं कहेंगे। ओवर पॉपुलेट कब कहेंगे, जब पॉपुलेशन ज्यादा हो और ऑल द रिसोर्सेज जो है ये लेस हो, तब हम उसको बोलेंगे हम ओवर पॉपुलेटेड। तो हमारे पूरे वर्ल्ड में ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां पर क्या है पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट वहां पर फूड भी प्रोवाइड हो रहा है, शेल्टर भी, एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड हो रहा है, दैट सिचुएशन को हम ओवर पॉपुलेटेड नहीं बोलेंगे। ओके, ओवर पॉपुलेटेड मीन्स यही है कि मीन्स पॉपुलेशन इज मच मोर एंड अकॉर्डिंग दैट रिसोर्स इज वेरी लेस। ओके, फर्स्ट ये डिस्कस हाउ बी डिसाइड वेदर कंट्री इज ओवर पॉपुलेटेड और नॉट, देयर आर थ्री फैक्टर्स। ओके, फर्स्ट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, एंड सेकेंड टोटल फूड प्रोडक्शन, और थर्ड इज द सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ कंट्री ऑन इट्स रिसोर्सिस। ओके, आफ्टर वी डिस्कस एग्जाम्पल ऑफ ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया एंड इथियोपिया, और कॉजेज, द कॉजेज फर्स्ट इज बर्थ रेट हाई एंड डेथ रेट लो, माइग्रेशन ऑफ पीपल्स फ्रॉम अदर पार्ट इन दैट कंट्री और रीजन, और बेटर मेडिकल फैसिलिटी। ओके, आफ्टर वी डिस्कस द कंट्री विच हैज मोर पॉपुलेशन मे नॉट बी ओवरपॉपुलेटेड, अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है उसको हम ओवर पॉपुलेटेड कंसिडर नहीं करेंगे, एज मैनी ऑफ सच कंट्रीज कैन सपोर्ट देयर पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू फूड, शेल्टर और एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वहां की जो कंट्री है वो अपने पीपल्स को ऑल द नेसेसरी थिंग्स को प्रोवाइड करवा रही है, दैट सिचुएशन को हम ओवर पॉपुलेटेड नहीं बोलेंगे। ओके, सो नाउ वी डिस्कस हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन। अब इस ओवर पॉपुलेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी लाइफ पर या हमारी सोसाइटी पर। ओके, द फर्स्ट इज द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर और फॉरेस्ट इज हाई। मीन्स अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो, रिसोर्सेज लेस हो, तो उसका क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। ओके,
एंड लीडिंग टू देयर डिप्लेशन। डिप्लेशन मीन्स क्या होता है, द एक्ट ऑफ डिक्रीजिंग समथिंग, जो चीज वो कम होती जाएगी जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है। ओके, सो द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड वाटर फॉरेस्ट इज हाई, प्रेशर हाई होगा नेचुरल रिसोर्सेज ड्यू टू दैट लीडिंग टू देयर डिप्लेशन। डिप्लेशन मीन्स द एक्ट ऑफ डिक्रीजिंग समथिंग, बट आई विल बी टॉक अबाउट हियर नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज कम होते जाएंगे। ओके, सेकंड पॉइंट, द टोटल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर लेस। इफ पॉपुलेशन हाई होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की होगी लेस हो जाएंगी, बट द जॉब सीकर, जॉब सीकर में सर्चर जो जॉब ढूंढ रहे हैं आर मोर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लेस होंगी, जॉब लेने वाले सर्च करने वाले ज्यादा होंगे, तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी इन दैट कंट्री और रीजन। ओके, इफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या होगी, अगर पॉपुलेशन हाई होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लेस हो जाएंगी, एंड बट जॉब सीकर, जॉब सर्चर ज्यादा होंगे एंड दैट क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट इन दैट एरिया और कंट्री। द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन विल हैव लेस इनकम ड्यू टू अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब क्या होगा, देखो आपके पास क्या है, पर्टिकुलर जो पर्सन है कि कहीं काम कर रहा है 10,000 पे, ठीक है, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन टू मच है। अनदर को पर्सन आएगा बोलेगा कि मैं इसको 8,000 पे ही करूंगा, मुझे जो नौकरी जॉब दे दीजिए। अनदर को आएगा बोलेगा मैं 6,000 में करूंगा। लाइक दिस क्या होगा, आपकी इनकम रिड्यूस हो जाती है इफ पॉपुलेशन हाई हो, और पॉपुलेशन हाई होगी तो आपकी इनकम लेस हो जाएगी, और क्या इनकम लेस हो जाएगी तो पीपल विल थस लिव इन स्लम, झोंपड़ी में रहना स्टार्ट कर देंगे लोग, बिकॉज कि उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो अच्छे से घर में रह सकें। ड्यू टू दैट अ मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन विल हैव लेस इनकम ड्यू टू अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड पीपल विल थस लिव इन स्लम, लोग स्लम में रहना स्टार्ट कर देंगे। ओके, एंड ड्यू टू शॉर्टेज, शॉर्ट सप्लाई ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, देर इज अ जनरल टेंडेंसी फॉर हायर सेल प्राइस, थस द कॉस्ट ऑफ लिविंग बिकम कंपेटेबली हाई। मीन्स जब पॉपुलेशन क्या हो, ज्यादा हो, पॉपुलेशन हाई हो, बट जो हमारे पास थिंग्स वो सोच के लेस हो, शॉर्टेज ऑफ गुड्स हो और डिमांड ज्यादा हो, पॉपुलेशन हाई होगी, रिसोर्सेज कम होंगे, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो नेचुरल हमारे पास ये तो शॉर्टेज है तो प्राइस हाई हो जाएंगी। जब कोई चीज हमारे पास कम होती है और उसकी डिमांड ज्यादा हो तो उसके प्राइस हाई हो जाते हैं। ओके, तो वही बातें हम लिखी है कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा इफ अगर प्राइस रेट हाई हो जाती है। ओके, तो वही होता है ओवर पॉपुलेटेड कंट्री में कि शॉर्टेज ऑफ गुड्स होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो देन प्राइस हाई हो जाएगी। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट, नॉर्मली सच कंट्रीज हैव टू इम्पोर्ट मोर गुड्स देन दे कैन एक्चुअली एक्सपोर्ट। तो व्हाट इज द इम्पोर्ट और व्हाट इज द एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट मीन्स द कोई पर्टिकुलर कंट्री बाहर से मटेरियल को अपने कंट्री में मंगवा रही है उसको बोलते हैं इम्पोर्ट करना। ओके, जैसे लाइक इंडिया है वो ऑयल जो है, जो भी हमारा पेट्रोलियम है वो हम अदर कंट्री से इंपोर्ट करें, मंगवा रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा है और ऑयल के जो जो पेट्रोलियम ऑयल है वो रिसोर्सेज है हमारे पास लेस है, तो दैट्स व्हाई हमें क्या करना पड़ रहा है, इंपोर्ट करना पड़ रहा है टू अदर कंट्री, और जो चीज हम एक्सपोर्ट करें उससे ज्यादा हम इंपोर्ट करवा रहे हैं। टू ड्यू टू दिस इम्बेलेंस इन ट्रेड, एक्चुअल में होना क्या चाहिए कि जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं उतना है एक्सपोर्ट करते हैं, कि बैलेंस बनाता है ट्रेड में वन कंट्री अनदर कंट्री। ओके, लेकिन जब क्या होता है, जब ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी सो शॉर्टेज ऑफ गुड्स होंगी, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज होंगे, डिमांड ज्यादा होगी। ओके, तो हम क्या करना पड़ेगा, डिमांड ज्यादा को फुलफिल करने के लिए अदर कंट्री से इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, लेकिन जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो लेस करेंगे ड्यू टू दैट इम्बेलेंस इन ट्रेड। ओके, तो नॉर्मली सच कंट्रीज हैव टू इंपोर्ट मोर गुड्स देन दे कैन एक्चुअली एक्सपोर्ट, सो दिस लीड टू द इम्बेलेंस इन ट्रेड। एंड सिक्स वन,
द हेल्थ एंड सैनिटेशन कंडीशंस आर पुअर, जो हमारी हेल्थ और सैनिटेशन कंडीशंस हैं वो सारी पुअर हो जाएंगी। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन इन अवर सोसाइटी। ओके, सो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस फर्स्टली इंट्रोडक्शन कि द टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री और रीजन रेयरली मैचिज विद द नॉन एंड अवेलेबल रिसोर्सिस ऑफ दैट द एक्चुअल सिचुएशन इज दैट कि पॉपुलेशन मोर और रिसोर्सिस लेस। हैव दैट ओवर पॉपुलेशन मीन्स पॉपुलेशन मोर और रिसोर्सिस आर लेस, दैट सिचुएशन वी कॉल्ड ओवर पॉपुलेशन। ओके, आफ्टर डिस्कस हियर व्हाट इज द हाउ वी डिसाइड वेदर कंट्री इज ओवर पॉपुलेटेड और नॉट, वी डिस्कस हियर 3 पॉइंट। फर्स्ट इज टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, टोटल फूड प्रोडक्शन, आफ्टर दैट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ कंट्री ऑन इट्स रिसोर्सिस। आफ्टर सम एग्जाम्पल्स ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज आफ्टर द कॉजेज बट आर कॉजेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन, फर्स्ट इज हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट, माइग्रेशन ऑफ पीपल्स फ्रॉम अदर पार्ट इन दैट कंट्री और रीजन, और बेटर मेडिकल फैसिलिटी। आफ्टर वी डिस्कस इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन। ओके, थैंक यू।